गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एल्गी, दे डेफिनेशन, उनके लक्षण और उनकी संरचना। मैं नवीन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आरएन रिया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी। यदि हम शब्द एल्गी की बात करते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सी वीड्स। और सबसे पहले इस शब्द को लिनस के द्वारा 1753 ईस्वी में काम में लिया गया था। यदि हम एल्गी की बात करें और हम ये बात करें कि उसके अंदर किस तरह के पौधे शामिल हैं, तो हमें बहुत बड़ी एक डाइवर्स हैबिट देखने को मिलती है। उनके जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी साइज़ को लेकर के, उनके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उनकी यदि हम फिजियोलॉजी की बात करें उनको देख करके, यदि बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें या उनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स की बात करें, तो उनके अंदर इन सब एस्पेक्ट्स को यदि हम कंसिडर करें तो एल्गी के अंदर ऐसे पौधे शामिल, जो भी पौधे शामिल होते हैं उनकी हमें वाइड एक वेरिएशन देखने को मिलती है। एल्गी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। अगेन द वर्ड थैलोफाइटा, इट इज़ कॉइन फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड थैलोस, जिसका मतलब होता है स्प्राउट, एंड फाइटोन दैट मीन्स प्लांट। तो दीज आर द सिंपलेस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक लैंड प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स। इनकी जो हैबिटेट होती है हमें बहुत डाइवर्स देखने को मिलती है। तो दे आर फाउंड वेर एवर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ, सब जगह हमें उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। एंड द ऑर्डरली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एल्गी, इट इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। अगेन फाइकोलॉजी द वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फाइकोस, जिसका मतलब होता है सी वर्ड, सी वीड्स, और लोगोस दैट मीन्स स्टडी। यदि एल्गी के लक्षणों की बात करें तो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रिमिटिव प्लांट्स। इनके अंदर हमें दोनों प्रोकैरियोटिक टाइप एंड यूकैरियोटिक टाइप सेल्स, बोथ द टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलती है। इनकी जो थैलस की जो रेंज होती है, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ये ऑटोफाइटिक है, विच मीन्स दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। जो शब्द हम थैलोइड या थैलस जो काम में लेते हैं, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू एल्गी, बट ब्रायोफाइट्स की जब बात करते हैं तो उनके संदर्भ में भी हम इस शब्द को काम में लेते हैं। यदि हम ब्रायोफाइट्स और एल्गी के बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कुछ एक बेसिक कह सकते हैं, कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम इजीली उनको डिमार्केट कर सकते हैं, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स की यदि हम बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी दे आर यूनिसेलुलर। और जब हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर उनकी लाइफ की किसी भी स्टेज के अंदर हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन सम ग्रुप ऑफ एल्गी और की बात करें, यदि हम क्लोफाइसी की बात करें तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, एंड द स्टराइल टिश्यू इज जनरली कंसिडर्ड एज ए वेजिटेटिव। ऐसा पैटर्न या इस तरह का डेवलपमेंट या इस तरह की थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी हमें देखने को मिलती हैं, और वो भी खास करके दैट इज़ कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी। लेकिन ब्रायोफाइट्स के बाद की बात करते हैं, या ब्रायोफाइट ऑनवर्ड्स यदि हम बात करें तो उनके अंदर हमें यूनिफॉर्म मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, और उनके ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें आर्किगोनिया की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो आर्किगोनिया है, द प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया इज नॉट सीन इन केस ऑफ एल्गी, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आर्किगोनियम या आर्किगोनिया, द ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज ए आर्किगोनियट प्लांट्स। यदि हम एल्गी डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट जो फाइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से एल्गी को डिफाइन किया है। प्रोमिनेंट जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एल्गी के ऊपर बहुत वाइडली स्टडी की या बहुत वाइड वर्क किया, उसके अंदर हम बात करते हैं, फिर फ्रिश की बात करते हैं। तो फ्रिश के शब्दों के अंदर यदि हम कहें तो इन 1935 फ्रिश डिफाइंड एल्गी एज द होलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स विच फेल टू रीच द हायर लेवल ऑफ द डिफ्रेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्किगोनियर प्लांट्स। यानी इस तरह के पौधे या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या प्लांट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वो हायर डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाए। जब हम जी एम स्मिथ की बात करते हैं तो ही डिफाइन एल्गी एज ए सिंपलेस्ट प्लांट्स विथ एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरह से चैपमैन ने 1962 के अंदर ही डिफाइन एल्गी सी वीड्स ऑफ द सी सोर एंड ग्रीन स्किन्स इन द स्टैग्नेंट वाटर पोन्स एंड पूल्स
एज अमॉन्ग द सिंपलेस्ट इन द प्लांट किंगडम। फिर हम प्रेस्कॉट की बात करते हैं, ही डिफाइन एल्गी एज दोज क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर थैलोइड, दैट इज प्रेस्कॉट के शब्दों के अनुसार जिनके अंदर हमें प्लांट बॉडी उनकी थैलोइड देखने को मिलती हैं, इट मींस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव जैसी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट या इस तरह की स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस हमें उनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। यदि हम आर एन सिंह के शब्दों में बात करें तो ही डिफाइंड द एल्गी एज ए लार्ज एंड सिंपल प्लांट्स विच डिस्प्ले ए स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इवोल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द एल्गी, और को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोइड प्लांट, ऑलमोस्ट ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक, ऑलमोस्ट सारी की सारी एल्गी हमें एक्वेटिक देखने को मिलती है, मेजोरिटी ऑफ द एल्गी दे आर एक्वेटिक, बट उसके अंदर हमें अलग अलग जब आगे के क्लासेस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि दे आर फाउंड इन अ वेरीड हैबिटेट, वी कैनॉट कन्फाइन एल्गी टू ओनली एल्गी टू ओनली एक्वेटिक हैबिटेट, हमें अलग तरह की डाइवर्स हैबिटेट्स के अंदर या हमें हम कहें कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी हमें एल्गी की प्रेजेंस देखने को मिलती है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर टू लार्ज रोबोस्ट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, द मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स थैलाई लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड ऑल्सो सो लिटिल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज, यानी टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन हमें बहुत कम देखने को मिलता है, या हम कहें बिल न के बराबर देखने को मिलता है, और इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती नहीं मिलती है। वेस्कुलर टिश्यूज़ की जो प्रेजेंस है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाई प्लांट्स। सेक्स ऑर्गन्स आर जनरली यूनिसेलुलर, बट वैन मल्टी सेलुलर ऑल सेल्स आर फर्टाइल एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज द एंटायर स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव जैकेट, यानी उसके चारों तरफ हमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टिव जैकेट देखने को नहीं मिलता है, मीन्स दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाई एनी स्ट्राइल जैकेट, उनके सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ हमें किसी भी प्रकार का मल्टी सेलुलर जैकेट देखने को नहीं मिलता है। द जायगोट अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट आइदर बाय माइटोसिस और मियोसिस बट नॉट थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है आगे हमें न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, बट इट डज नॉट गो थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। प्लांट्स हैविंग डिस्टिंक्ट, इनके अंदर हमें डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशंस व्हेन प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे हम जब एल्गी की प्लांट बॉडी की बात करें, उनकी थैलस की बात करें, तो थैलस मुख्य रूप से हमें गैमेटोफाइटिक थैलस देखने को मिलती है, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ हैप्लोइड, इट इज़ द गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट इन इट्स लाइफ साइकिल। यदि आगे के क्लासेस के अंदर जब हम लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है इसकी दैट इज डोमिनेंट, मोस्ट ऑफ द प्लांट अपनी जो लाइफ साइकिल के अंदर उस कोर्स को पास करता है, तो इट पासिस एज ए गैमेटोफाइट। और यदि हम एल्गी की अकरेंस की बात करें तो दीज आर यूबिकुअस प्रेजेंट एवरीवेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल इन द मैराइन वाटर, ज़मीन के ऊपर रॉक्स पे वो हमें एपीफाइट्स के तौर पे देखने को मिलते हैं, हमें पैरासाइट के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं, इवन ऑन पैरासाइट ऑन एनिमल्स एंड ऑन प्लांट्स, ये हमें हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, और परमानेंट स्नो फील्ड जो होते हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बेसिकली दे ड्वेल इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट। बेस्ड ऑन द हैबिटेट द एल्गी में बी कैटेगराइज्ड एज, उनके हैबिटेट के आधार पर एल्गी को हम एक्वेटिक एल्गी के तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी की, और द थर्ड कैटेगरी से एल्गी ऑफ द रिमार्केबल हैबिटेट्स। यदि हम एक्वेटिक एल्गी की बात करें तो दे मे बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, जहाँ पे हमें वाटर की सैलिनिटी इट इज़ लो एज 10 ppm, और मैराइन वाटर के अंदर भी हमें देखने को मिलती है व्हेन द सैलिनिटी इज़ अबाउट 33 to 40%। अगेन सर्टेन एल्गी ग्रो इन द ब्रैकिश वाटर विच इज़ अनपैलेटेबल फॉर ड्रिंकिंग बट लेस साल्टी देन द सी वाटर, और जब हम फ्रेश वाटर एल्गी की बात करते हैं तो यूजुअली वो हमें पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, टैंक्स के अंदर और डिचेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। जब हम हमारे डेजर्ट प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमें पता है बरसात के कुछ समय बाद में जहाँ पे कुछ पॉन्ड्स और डिचेस, कुछ खड्डे वगैरह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके अंदर हमें एक ग्रीनिश लेयर का डेवलपमेंट या ग्रीनिश कलर की कुछ कलरेशन उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एल्गी।
नाउ यदि हम वेरी कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी की बात करते हैं तो दे आर क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, उडोगोनियम, स्पायरोगरा, नॉस्टॉक, ओसिल्टोरिया एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन मेराइन एल्गी आर सरगेसम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैलोरपा, बैंकिया, पेरिना। ये कुछ अलग अलग तरह के हैबिटेट्स के अंदर ग्रो करने वाली एल्गी हैं और इन एल्गी के इन मेम्बर्स का स्टडी हम वी आर गोइंग टू स्टडी नॉट ऑल बट सम ऑफ द मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस इन द कमिंग क्लासेस। फ्रेश वाटर एल्गी की जब बात करते हैं तो दे मे बी टर्म्ड एज ए प्लैंकटोनिक व्हेन दे ग्रो एंड रिमेन सस्पेंडेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वाटर। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स या डायटम की बात करें, वाइल द बेंथिक एल्गी आर बॉटम ड्वेलर्स जो कि वाटर बॉडी के बेस के ऊपर ग्रो करती है। द एल्गी दे ग्रो एट एयर इंटरफेस दे आर कॉल्ड एज न्यूस्टोनिक। The benthic algae may be epilithic that grow on the stones, epipelic attached to the sand or mud, epiphytic which is growing on the plants and epizoic which is growing on the body surfaces of the animals. तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह की जो varied conditions होती हैं उनके अंदर हमें इनकी growth हमें देखने को मिलती है। यदि हम marine algae की बात करें तो they may be supralittoral or subaerial. दे ग्रो अबोव द वाटर लेवल और इन द स्प्रे जोन। इंटरटाइडल एल्गी हमें देखने को मिल सकती है विच ग्रो इन सच ए डेप्थ सो दैट दे आर एक्सपोज पीरियोडिकली ड्यू टू टाइड्स टू सनलाइट। अदर मैरीन एल्गी दे आर सबलिटोरल मीनिंग दैट दे आर कॉन्स्टेंटली सबमर्ज्ड एट अ डेप्थ एज ग्रेट एज 30 to 60 meters, यानी जो 30 से 60 meters की डेप्थ तक नीचे तक हमें ग्रो करने को देखने को मिल सकती है। अगेन यदि हम बात करें सुप्रा लिटोरल एल्गी की बात करें तो दे मे बी एडाफिक दैट ग्रो इन एंड ऑन द सॉइल, इट मे बी इपीलिथिक ग्रोइंग ऑन द स्टोन्स, इट मे बी इपीफाइटिक ग्रोइंग ऑन द प्लांट्स, इट मे बी इपीजोइक विच इज़ ग्रोइंग ऑन द एनिमल बॉडी सर्फेसिस और इट मे बी कॉर्टिकोलस ग्रोइंग ऑन द ट्री बार्क्स एंड इट मे बी पैरासाइटिक विच ग्रोज ऑन एनिमल्स एंड द प्लांट्स। सम एल्गी यदि हम क्लोरेला की बात करें तो वो इट लिव्स एंडोजोइकली इन वेरियस प्रोटोजोअन सिलिंड्रेट्स एंड मोलेसेस, इसके अंदर हमें एंडोजोइकली वो उसके अंदर ग्रो करती है। तो ये एल्गी जब बात कर रहे हैं, हम मेरेन हैबिटेट की बात करें या फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो इसके अंदर हमें सब तरह से अलग अलग सॉइल के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर एज एपिफाइट, एज एंडोफाइट या एज एंडोजोइक हमें उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है।